साल भर में प्रत्येक माह एकादशी आती है। एकादशी के व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस बार 2 जून को अपरा एकादशी आ रही है। आइए पंडित जी से जानते हैं इस एकादशी का विधान। अपरा एकादशी 2 जून को पड़ रही है तथा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित कहा गया है। तथा एकादशी करने से अनेक पुण्य की प्राप्ति होती तथा मोक्षदायिनी एकादशी को कहा जाता है। तथा यह अपरा एकादशी रविवार को पड़ रही है तथा यहाँ पर भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए तथा भगवान विष्णु मोक्ष को देने वाले तथा धन्य धान्य को आदि को देने वाले होते हैं। तथा अपरा एकादशी का बड़ा ही महत्व कहा गया है। इसमें अपरा एकादशी के व्रत करने से पितरों का पिंड दान का फल प्राप्त होता है तथा एकादशी के दिन तुलसी चंदन आदि से करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं तथा वृद्धि को प्रदान करते हैं। तथा एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित कही गई था मोक्ष को देने वाली है तथा अनेक प्रकार व्रतों में से श्रेष्ठ एकादशी का व्रत कहा गया है। तथा इस प्रकार एकादशी को भारत में तथा शास्त्रों में अनेक मान्यता दी गई है तथा भगवान विष्णु के प्रधान देवता तथा धन्य धान्य की वृद्धि के लिए तथा कलेशों के नाश के लिए ये एकादशी और ये अपरा एकादशी अनजाने में किए गए पापों से मुक्ति के लिए भी अनेक फल को देने वाली कही गई है। यह एकादशी करना बड़ा उचित कहा गया है तथा अलग अलग फलों से तथा अलग अलग फलहालों से व्रत खोलना होता है। तथा ये जो जी आयुष्मान योग में यह एकादशी आ रही है। इस एकादशी में का व्रत करने से आयु की वृद्धि होगी तथा पितरों की शांति के लिए एकादशी का व्रत कर सकते हैं तथा भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए धन तथा वैभव तथा शारीरिक सुख के लिए भी शरीर में कोई कष्ट हो तो उसके निवारण के लिए भी एकादशी की जा सकती है। एकादशी का नियम होता है कि एक दिन पहले दशमी के दिन सूर्य अस्त से पहले भोजन कर लिया जाए, उसके पश्चात अन्न नहीं लिया जाए। उसके पश्चात एकादशी के पूरे दिन अन्न का वर्जित कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण नहीं करना चाहिए। उसके पश्चात द्वादशी को एकादशी खुलती है। इस प्रकार एकादशी का संपूर्ण व्रत कहलाता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन्य धान्य की तथा शारीरिक में वृद्धि करते हैं, मानसिक में वृद्धि करते हैं।